पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड के बनभाग परोड़ा स्थित घर का काम कर रहे 45 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। मृतक परोड़ा वार्ड नंबर 2 निवासी 45 वर्षीय युवक बबलू कुमार ठाकुर बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि अपने घर का टट्टी और लोहे की टीन को रिपेयर कर रहा था, इसी क्रम में बिजली सट गया, जिसकी वजह से काम कर रहे बबलू कुमार ठाकुर को बिजली का करंट लगा और ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं स्थानीय परिजन एवं ग्रामीणों की मदद से बबलू कुमार ठाकुर को उठाकर बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या घटना हुआ, कैसे हुआ? इनकी घटना जो है ना, हम लोग एक ही साथ बैठे हुए। अच्छा। बैठने के दरमियान भी ये अपना घर गए, हम भी अपना घर गए। घर जाने के बाद जो हल्ला हुआ किया जो है, लाइन लग गई। अच्छा। ठीक है, लाइन लगने का खबर जो सुने हम लोग दोगे दोगने बाद यह जो थे अपना घर का टटिया सजा रहे, टीना का टटिया था वो सजा रहे। इसी दरमियान में कैसे इनको जो तार सट गया वायरिंग वाला तार, तो वहाँ से निकालने के बाद जो है हम लोग आए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है तब तक जो है बोले डॉक्टर साहब यह खत्म हो। ये घटना कहाँ की है? ये परोड़ा। परोड़ा कब हुई है घटना? ये 1 बजे अपना निजी काम कर रहे थे। अपना निजी ही काम कर रहे थे, इसी बीच में करंट लग गया। इसी बीच में करंट लग गया। क्या नाम है मृतक का जो मरे हैं? बबलू कुमार ठाकुर। क्या उम्र होगी उनकी? 45 लगभग। आप कौन हैं? उनके बगल पड़ोसी। पड़ोसी है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार भारती। कहाँ घर आपका? परोड़ा। वार्ड नंबर 16। पंचायत कौन सा? परोड़ा। प्रखंड के नगर। जिला पूर्णिया। क्या हुआ मामला, घटना क्या हुआ? घर में टीना सर जा रहा था। अच्छा। और उसी में अचानक इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे आया, इलेक्ट्रिक लाइन से लग गया। जब वो लग गया तो अचेत पड़ा हुआ। जब जितना भी पड़ोस के लोग, ग्रामीण के लोग दौड़ के आया, तब तक उसको उठा के हॉस्पिटल लाए। सरकारी सेवा में यहाँ तक जब लाए तो यहाँ पर डॉक्टर उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तो घर का काम कर रहे थे और घर में ही लाइन फॉल्ट था कहीं क्या? हाँ, घर में ही लाइन फॉल्ट था। अपने निजी काम में थे? अपने घर के तटिया सर जा रहा था। अच्छा। तटिया अपना सर लगा रहा था और उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बगल से गया था। अच्छा। पीना में लग गया। अच्छा। ये मृत्यु तुरंत हो गया या उसके बाद इलाज के दरमियान मृत्यु हो गया? मृत्यु वहाँ पर जो हुआ वहाँ पर नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल पर लाए हैं। हॉस्पिटल लाने के दरमियान में रात जब हॉस्पिटल में लाए तो डॉक्टर उसको मृत्यु घोषित कर दिया। मतलब रास्ते में मृत्यु हो गई। ये मृतक कौन है, क्या नाम है इनका? बबलू ठाकुर। क्या उम्र होगी इनकी? 45। कहाँ का रहने वाला? परोड़ा का। प्रखंड के नगर। वार्ड नंबर 12। आप कौन हैं इनके? हम इनको रिश्ता में पोता लगेंगे। आपके दादाजी हुए? रिश्ता में है, है नहीं, इसलिए उम्र का अंतर ना जाए। हाँ हाँ, रिश्ते के हिसाब से आपके दादाजी लगेंगे। हाँ। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा अखिलेश कुमार ठाकुर। ये घटना कब हुई? 1 बजे दिन में। आपने स्थानीय थाना को सूचना दी? सूचना हमको उतना टाइम पूरा था, यहाँ हॉस्पिटल से सूचना पड़ा है। तो वहाँ से थाना से आया है? हाट से आया है। एक बार नाम बताइएगा। अखिलेश कुमार ठाकुर। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री संत कुमार ठाकुर। वार्ड नंबर 12। थाना बेनगर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।